नागौर जिले के कुचामन सिटी थाना के हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद पर फायरिंग कर हत्या करने के आरोपी विजेंद्र इंडाली और उसके एक साथी को पुलिस ने वारदात के कुछ घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उसके कब्जे से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा, कारतूस, बुलेट प्रूफ जैकेट और 45 से ज्यादा मोबाइल मिले हैं। पुलिस अधिकारियों ने संभावना जताई है कि आरोपी से पूछताछ में प्रदेश से जुड़ी कई आपराधिक वारदातों का खुलासा होगा। वो सर क्या है कि हाई सिक्योरिटी जेल में मैं 5-6 साल तक रहा, दीवारों में रह रहे के आखिर संभव वहाँ क्या, लंबे टाइम एक ही वातावरण में रहने से हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बाहर उनके लिए कर सकते, जैसे छोटे पेड़ वगैरह उनके लिए, बच्चे हैं, हमने कई साल हो गए उनको हाथ से टच किए हुए, एहसास किए हुए, पौधों के टच किए हुए, उनसे मेरी जो भावनाएं थी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उनसे वंचित होने की वजह से मैं डिप्रेस में था। आने के बाद थोड़ा अच्छा माहौल मिला तो मैंने 2 साल उनसे मिलन किया, जैसे मान जी मैं पेड़ पौधे वगैरह लगाना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी किसी मदद की, तो मेरी एक जो अन्य प्रकरण था उसके अंदर 10 साल की सजा हुई थी, तो फिर मैं पेड़ पौधों में जितना मैं इस एरिया को अच्छा बना सकूँ उनसे अच्छा फील होता है। सुबह से मैं काम करता हूँ, रात को मेरी आँख खुलती है, विचार करता हूँ तो मेरे को अच्छा फील होता है, इतने पेड़ लगाए, इतना वो पेड़ ऊँचा आ गया, मुझे अच्छा फील होता है, मैं धीरे धीरे डिप्रेशन से वापस आ गया। जैविक खाद है जो हमारे लंगर के अंदर जो सब्जी का कचरा वगैरह जो बचता है उसको हम यहाँ डालते हैं, यहाँ हमने डाल के सूखे पत्ते वगैरह ये वहाँ से बाहर से लुवाते हैं, गोबर का जो खाद था कुछ बाहर से वो मंगवाया, खेत की वगैरह बाहर के मैं सस्ता जुड़े हुए उनसे मंगवाए, उनको हमने इसके अंदर डाइबिट का रखना था, उसके अंदर 1-1.5 महीने से एवरेज खट्टा भर गया था, इसके अंदर अब 2-1.5 महीने बाद में खा दिया हो जाएगा तब ये पूरा खा बताए। ये सर ये फैक्ट्री उद्योगशाला है उसके पीछे का कुछ हिस्सा है, पहले एकदम बंजर था या कुछ नहीं, ये है ना पत्थरी पत्थर थे यहाँ से, तो हमने इस जगह को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें पहले गेती से पूरे के अंदर खुदाई करी, बारिश आने से पहले, बारिश आने से वो पूरा जल इसके अंदर चला, उसके बाद में हमने यहाँ पे बीच में जो रास्ता है तो ये तो पनीर वगैरह तोड़ने के लिए बीच में रास्ता है, मक्की है, इधर ये भिंडी है, गंवार है, चिवड़ा है, आज अपन जो दिख रहे हैं वो गंवार है, ये भिंडी है, ये भिंडी है। मेन ग्राउंड है, यहाँ कोई भी बंदी आता है ना तो उनको ऐसा नहीं लगे अपन जेल में आया कार्यक्रम आए, अच्छी सोच अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, इसलिए पूरे ग्राउंड में अच्छे अच्छे पौधे लगते हैं। अपराध तो आवेश में आते हैं, आवास में आते हैं, बाकी 100% सत्यवाद है यहाँ के इंसान, 98% बंदियों में यहाँ आने के बाद बदलाव हर तरीके से बदलाव, समाज से या बाहर के लोगों से इनसे मेरा यह जरूर निवेदन है कि उनको पॉजिटिव रूप के अंदर समाज से उनके प्रति ये हीन भावना नहीं रखे कि ये जेल से आया हुआ है या ये अपराधी है या कैदी है, जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको उनके प्रति वो विचार नहीं रहे, बाकी यहाँ से जो बंदी निकल के जाता है उसमें पॉजिटिव समाज में वापस मिल के जिंदगी जीने के लिए समाज उसको स्वीकारे,
या लोग उनको थोड़ा स्वीकार उनका थोड़ा साथ दे सहयोग करें दुर्भाग्य से व्यवस्था करें।